आयुष्मान खुराना अनोखे किरदारों से अपनी राह बनाते चमकते सितारे। आयुष्मान खुराना बॉलीवुड में अनोखे किरदार निभाकर और दमदार परफॉर्मेंस देकर पहचान बनाने वाले कलाकार हैं। 1984 में चंडीगढ़ में जन्मे आयुष्मान का सफर सिल्वर स्क्रीन से नहीं बल्कि रेडियो पर वीजे और होस्ट के रूप में शुरू हुआ था। 2004 में एमटीवी रोडीज जीतने के बाद उनकी चमक बिखरी जिसने उनके करिश्मा और प्रतिभा को दर्शाया। हालांकि 2012 में विकी डोनर के साथ बॉलीवुड डेब्यू ने उन्हें एक ऐसे बहुमुखी अभिनेता के रूप में स्थापित किया जो वर्जित विषयों को छूने से नहीं डरते, परंपरा तोड़ते हुए। जहां कई सितारे बड़े से बड़े रोल की तलाश में रहते हैं, वहीं खुराना आम आदमी का किरदार निभाकर सामाजिक मुद्दों को उठाने में यकीन रखते हैं। शुभ मंगल सावधान 2017, आर्टिकल 15 इंच 2019 और चंडीगढ़ करे आशिकी 2021 जैसी फिल्मों ने नपुंसकता, जातिगत भेदभाव और समलैंगिक प्रेम जैसे विषयों को उठाया जिससे महत्वपूर्ण चर्चाएं प्रारंभ हुई और सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी गई। वे खामियों वाले किरदार निभाने से हिचकते नहीं हैं। इससे उनके अभिनय में गहराई और विश्वसनीयता आती है। अभिनय से परे, खुराना प्रतिभाशाली गायक भी हैं, जो अक्सर अपनी फिल्मों के गानों में आवाज देते हैं। विकी डोनर से पानी दा और बरेली की बर्फी 2017 से नज्म नज्म जैसे उनके गाने चार्टबस्टर बने जो उनकी संगीत प्रतिभा को दर्शाते हैं। वे सक्रिय रूप से गीत लिखते हैं और संगीत बनाते हैं जो उनकी कलात्मक क्षमता को और बढ़ा देता है। सम्मान और पहचान, खुराना के समर्पण को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है जिसमें एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 4 फिल्मफेयर पुरस्कार और कई अन्य शामिल है। उन्हें फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 सूची में शामिल किया गया है और 2020 में टाइम पत्रिका द्वारा उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक नामित किया गया था। आगे की राह, आने वाली फिल्मों ड्रीम गर्ल 2 इंच और टीचर के साथ खुराना रिलेटेबल किरदारों को चित्रित करने और सीमाओं को तोड़ने की अपनी यात्रा जारी रखने का वादा करते हैं। वह महत्वाकांक्षी अभिनेताओं के लिए एक प्रेरणा है जो यह साबित करते हैं कि अपने विश्वासों पर कायम रहकर और जोखिम उठाकर सफलता हासिल की जा सकती है।